उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के उत्तराखंड दौरे को देखते हुए राजधानी देहरादून में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। देहरादून पुलिस द्वारा जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर मोहकमपुर स्थित पेट्रोलियम संस्थान तक सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। एसएसपी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी और सुरक्षा बल सहित खुफिया एजेंसी सुरक्षा में तैनात होंगी। उपराष्ट्रपति महोदय का प्रोग्राम कल का शेड्यूल है, वो कल सुबह पहुँचेंगे और दिन में उनकी वापसी है। उस संदर्भ में अलग अलग हर वेन्यू पे जहाँ पे उनका आगमन है, जहाँ पे वो हेलीकॉप्टर चॉपर से सॉरी एयरक्राफ्ट से उतर रहे हैं, वहाँ पर भी उनका जो है एक एसपी लेवल के अधिकारी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, प्रभारी बनाया गया है। उसके अलावा सभी जगह जो पीएसी है उसको पुटअप किया गया है, बीडीएस को अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही साथ हमारे जो अभी सूचना तंत्र है उसको भी अलर्ट किया गया है। सभी जगह फोर्स तैनात की गई है, आज उसका ड्राई रन किया जा रहा है। जो भी उसमें लगेगा और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है उसको डीब्रीफिंग के दौरान एड्रेस कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति सड़क मार्ग से मोहकमपुर स्थित पेट्रोलियम संस्थान में आयोजित कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई नेता भी शिरकत करेंगे। देहरादून से कुलदीप रावत, पंजाब केसरी टीवी।